देखिए, इस वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे मिसप्लेस्ड मॉडिफायर, डेंगली मॉडिफायर, प्री मॉडिफायर्स, पोस्ट मॉडिफायर, मिस अरेंज्ड पार्टिसिपल, डेंगलिंग पार्टिसिपल। 50 वर्ड आप बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि ये कमेंट में मुझसे डिमांड आई थी, आई थिंक वेस्ट बंगाल के हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने बहुत टाइम पहले इसकी डिमांड की थी, लेकिन मैं बना नहीं पाया। रीज़न ये था कि अगर मैं आपकी डिमांड से वीडियोस बनाने लगूँ, रियलिटी में अगर आप क्लास में बैठे हो और टीचर अगर आपके हिसाब से पढ़ाने लगे, तो वो क्लास एक साल में नहीं, वो 10 साल में ही फिनिश नहीं हो सकती है। रीज़न, आपने कोई चीज़ की डिमांड की, वो सिंगल सा टॉपिक, छोटा सा कॉन्सेप्ट, अब वो कॉन्सेप्ट रिलेटेड है मेरा पूरा का पूरा वर्ब से। जब तक मैं वर्ब्स के शुरुआत के कॉन्सेप्ट ना समझाऊँ, तब तक वो बात समझ में आएगी नहीं। जब आप कोई बात पूछते हो, इसका मतलब आप उसमें ज़्यादा उलझे हो, वो थोड़ा कठिन है। और कोई चीज़ जो टफ होती है, वो बहुत सारी ईजी चीज़ों से रिलेटेड होती है, पहले उनको समझना जरूरी, फिर उसके उस पर अप्लाई करना होता है। तो अगर वो ऐसा समझाएगा तो बड़ा उलझन हो जाएगी। आपने कोई क्वेश्चन वर्ब के अंदर पूछा है और रियल में उसका आंसर वर्ब और प्रपोजिशन के अंदर है, तो वर्ब चैप्टर ख़त्म होने के बाद फिर आपको कॉस्टिव वर्ब, फिर आपको एडवर्ब, फिर आपको कंजंक्शन, ये सब पढ़ने पड़ेंगे, फिर आपको वो प्रपोजिशन मिलेगा। तो बीच में तो गैप हो गई भाई, वर्ब का क्वेश्चन वर्ब में भी आंसर मिला है और उसका आंसर आपको प्रपोजिशन में भी मिलेगा। तो बीच में जो गैप है, वो वेट आपको करना पड़ेगा। जिनको वेट नहीं हो पाता, वो कभी कुछ नहीं सीख सकते हैं। वेट करना सीखो। पढ़ाऊँगा मैं अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि जो सही तरीका वो वैसे पढ़ा रहा हूँ, चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ, सबको सही पढ़ा रहा हूँ। डिमांड करो कि ये पढ़ा दो, पढ़ाऊँगा जरूर, टाइम आने पर कॉन्सेप्ट के अंदर आएगा, मैं ज़रूर पढ़ाऊँगा। जो मांग रहे हो वो तो पढ़ाऊँगा ही, जो नहीं मांगा वो ही पढ़ाऊँगा, जो कभी सोचा नहीं होगा मैं वो ही पढ़ाऊँगा, सब कुछ पढ़ाऊँगा, वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम पहले एक नज़र ये डाल लेते हैं कि मिसप्लेस्ड मॉडिफायर, डेंगली मॉडिफायर, प्री मॉडिफायर और पोस्ट मॉडिफायर क्या होते हैं। देखो, एक बार मैं आपको समझा ही देता हूँ अच्छी तरह से। जो मिसप्लेस्ड मॉडिफायर हैं, यहीं पर इनका नाम डेंगलिंग है, यहीं पर इनका नाम प्री है, यहीं पर इनका नाम पोस्ट मॉडिफायर है। प्री का मतलब होता है पहले रखा हुआ, जो कि गलत जगह रखा है। पोस्ट का मतलब क्या है, सेंटेंस में कहीं बाद में लिखा रखा है, या तो सही जगह या गलत जगह है। प्री का मतलब पहले रखना है और रखना चाहिए था, या फिर गलत रखा है प्री में, उसको और कहीं होना चाहिए था। ऐसी पोस्ट में पोजीशन गलत भी हो सकती है और सही भी हो सकती है। मिसप्लेस्ड का मतलब भी यही है, गलत जगह रखा हुआ है। डेंगली का मतलब यही है कि गलत जगह रखा है, अर्थात कुछ गलत निकलना है, सही जगह रखना है। चारों का मतलब एक ही है। आओ एग्जाम्पल समझते हैं। एडिंग मोर इन्फॉर्मेशन इन टू लॉन्गर सेंटेंस, या सेंटेंसेस, छोटे बड़े कोई भी सेंटेंस हैं जिनमें कुछ एक्स्ट्रा जानकारी डालनी होती है, तो हम लोग वहाँ पर मॉडिफायर्स डालते हैं। ऐसे प्रेजेंट पार्टिसिपली फ्रेज होता है, वो थोड़ा लेंदी होता है, वो हम लोग आगे डिस्कस अभी करेंगे, फिलहाल छोटे छोटे से देखते हैं। जैसे मैं कहूँ कि राम वॉज ड्राइविंग अराउंड द टाउन, राम जो था वो टाउन के चारों ओर आसपास ड्राइविंग कर रहा था, वाइल हिज फ्रेंड सेंग सॉन्ग स्लोली। उसी दौरान उसके दोस्त जो थे वो धीरे धीरे गाना गा रहे थे। तो हम ध्यान दें, सेंटेंस दो तीन प्रॉब्लम है कि जब वो ड्राइविंग कर रहा था उसी दौरान उसके दोस्त गाना गा रहे थे, तो अगर दोनों काम एक साथ चल रहे हैं, तो हम लोगों ने टेंस वाले वीडियोस में देखा था कि वाइल जो है वो अपने साथ में दोनों सेंटेंसेस कॉन्टिन्यूस में लाता है। अगर यहाँ पर दोस्त गाना गा रहे हैं या दोस्त उसका गाना गा रहा था, उसी समय वो ड्राइविंग कर रहा था, तो फिर यहाँ पर सेंग नहीं होगा, वॉज सिंगिंग होगा। पहली बार तो टेंस में मिस्टेक एक थी, एक मिस्टेक मिली। अब मुझे बताओ कि दोस्त धीरे धीरे गाना गा रहा था कि वो ड्राइविंग स्लोली कर रहा था। राम वॉज ड्राइविंग अराउंड द टाउन वाइल हिज फ्रेंड सेंग सॉन्ग्स वॉज सिंगिंग सॉन्ग्स स्लोली। तो देखो, दोस्त का गाना तब सुन सकता है जब वहाँ पर वो गाड़ी धीरे धीरे चला रहा हो। तो स्लोली जो है वो पोस्ट मॉडिफायर है, जो कि मिसप्लेस्ड है, हमें इसको प्री मॉडिफायर में कन्वर्ट करना होगा। अब ये ड्राइविंग रियल में आया किसके लिए है, तो ये रियल में ड्राइविंग जो है, सॉरी, वो स्लोली जो है ड्राइविंग के लिए आया है। तो राम वॉज स्लोली ड्राइविंग,
राम वॉज स्लोली ड्राइविंग अराउंड द टाउन वाइल हिज फ्रेंड वॉज While his friend was singing songs. तो यहाँ पे सेंटेंस सही है लेकिन अभी भी प्रॉब्लम है. While Ram was slowly driving, अगर हम बात करें स्लोली की तो जो भी अपने मोडिफायर्स होते हैं वो रियलिटी में उनके बाद ज़्यादातर रखे जाते हैं. तो रियल में किसके लिए आया? ड्राइविंग के लिए. ड्राइविंग वर्ब है तो इसके लिए जो एडवर्ब यूज़ होगा वो उसके ठीक बाद होगा. यहाँ पर राम वॉज ड्राइविंग स्लोली अराउंड द टाउन. अब अराउंड की बात रख सकते नहीं, अराउंड जो है वो इसके लिए आया हुआ है. तो राम वॉज ड्राइविंग स्लोली अराउंड द टाउन वाइल हिज फ्रेंड वॉज सिंगिंग सॉन्ग्स. जब राम ड्राइविंग धीरे धीरे ड्राइविंग कर रहा था टाउन के चारों ओर आसपास, उस समय उसका दोस्त गाना गा रहा था. अब सेंटेंस मेरा सही है. तो रियलिटी में सेंटेंस अपना ये वाला सही है, ये वाला सेंटेंस अपना गलत था. यहाँ पर भी चेंज होगी, वॉज सिंगिंग आएगा. अब सेंटेंस मेरा सही है. अब एक और देखो, देखो किस तरह से मिसप्लेस्ड यानी कि अगर मॉडिफायर को हम गलत जगह रख दें तो उसका कितना अर्थ का अनर्थ होता है वो देखो. द रस्टेड, रस्टेड का मतलब जंग लगा हुआ, जंग लगी हुई. वाइल रस्टेड वुमेन्स साइकिल, सॉरी गलत पढ़ दिया, द रस्टेड वोमेंस बाइसाइकिल मेड अ हॉरिबल स्क्रीचिंग नॉइस. मतलब किसी साइकिल में, किसी महिला की एक साइकिल है, उस महिला की साइकिल में बहुत ज़्यादा जंग लगी हुई, जैसे उस चलाया ना तो इतनी भयंकर आवाज़ है कि एकदम डर गए लोग. तो द रस्टेड वोमेंस, जंग लगी हुई महिला की साइकिल, जंग लगी हुई महिला की साइकिल. अब देखो सेंस तो दिमाग ये कह रहा है कि जंग जो है महिला ने ली, सर बाइसाइकिल में जंग लगी है, लेकिन रस्टेड वर्ड रखा कहाँ पर है? आप देखोगे तो महिला के बगल में. क्या रियल में महिला जंग लगी हुई है? नहीं, महिला की साइकिल जिसमें जंग लगी हुई है उसने हॉरिबल स्क्रीचिंग नॉइस दिए. इसका मतलब ये तो गलत जगह रखा हुआ है. बाली अर्थ आप कैसे भी सही करके निकाल लो. तो द वुमेंस रस्टेड बाइसाइकिल, महिला की जंग लगी हुई साइकिल, तो रस्टेड जो है वो बाइसाइकिल के लिए आएगा. अब ध्यान दो, यही तो प्रॉब्लम होती है. इसी को डेंगलें, इसी को मिसप्लेस्ड, पीछे रखा है तो पोस्ट, आगे रखा है तो प्री मोडिफायर्स बोलते हैं. तो हमें किसको कहाँ रखना है यही तो खेल है. जब हम किसी का मीनिंग निकालते हैं अपनी लैंग्वेज में, अपने रीजनल या नेटिव लैंग्वेज में, तो हम कैसे भी कैसे सही निकाल सकते हैं. महिला की जंग लगी हुई साइकिल, महिला की जंग लगी हुई साइकिल ने बड़ी ही अजीब भयंकर और डरावनी आवाज़ निकाली. आज बिल्कुल सही निकल रहा पहले का, लेकिन रियलिटी में रस्टेड महिला नहीं है, रस्टेड बाइसाइकिल है, तो उसको उठा के यहाँ लगाना पड़ेगा. बात तो समझ में आ गई होगी. अब देखते हैं कुछ लेंथी सेंटेंसेस. हम देखेंगे डेंगलिंग पार्टिसिपल, मिसप्लेस्ड पार्टिसिपल, मिसप्लेस्ड बोल दो या मिसअरेंज्ड बोल दो, और बहुत सारे वर्ड्स हैं वो भी सारे बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है. आ जाओ, ये होते हैं पार्टिसिपल फ्रेज. इनका क्या काम होता है? ये सेंटेंस में इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं. ये सेंटेंस के शुरुआत में, बीच में और आखिरी में कहीं भी लिखे जा सकते हैं. इट कैन बी ईजी टू मिसप्लेस द नाउन और नाउन फ्रेज दे आर मोडिफाइंग. जिनको मोडिफाई कर रहे थे ये आराम से गलत जगह रखे जा सकते हैं, रखे हुए मिलते भी हैं. अब ये बात मैं आपको सिंथेसिस में, इस पूरी सीरीज़ में, पार्टिसिपल में, जेरंड में 500 बार बता चुका हूँ, वही बात मैं रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पर. अब देखते हैं कैसे. टेरिफाइड आफ्टर वॉचिंग अ स्कैरी मूवी. अब देखो टेरिफाइड क्या है यहाँ पर, ये परफेक्ट पार्टिसिपल है जिसमें मैंने क्या किया, परफेक्ट पार्टिसिपल मैंने सीखा था हैविंग बीन, थर्ड फॉर्म को हम लोग थर्ड फॉर्म, केवल थर्ड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं. तो वही यहाँ पर ही है कि भूतों वाली खतरनाक मूवी, डरावनी मूवी देखने के बाद, या उस डरावनी मूवी देखने के बाद वो डर गई. तो टेरिफाइड आफ्टर वॉचिंग अ स्कैरी मूवी माई फादर हैड टू कम्फर्ट माई लिटिल सिस्टर. अब ध्यान दें तो स्कैरी मूवी देखने के बाद डर जाना, ठीक है, मेरे पिता ने मेरी छोटी बहन को कम्फर्ट मतलब छुपाया, मतलब उसको छुपा लिया, उसको सांत्वना दी कि परसा मतलब ये तो मूवी थी.
तो रियल में ये डरने वाला काम क्या फादर ने किया है? नहीं, डरी तो सिस्टर थी, फादर ने तो उसको अपने बस में कर लिया, मतलब चुप हो जाओ, उसको डराने से बचा लिया है। तो इसका मतलब फादर नहीं डरे, डरी तो सिस्टर है। तो ये तो गलत जगह रखा हो, ये तो डेंगलिंग, मिसप्लेस, मिस अरेंज्ड, पार्टिसिपल है, सब गलत है, यहाँ पर हो गया है। तो हम ध्यान दें तो हमें रखना है सिस्टर के बगल में, तो कैसे करेंगे? ये सेंटेंस मैंने पहले रख दिया पूरा, सिस्टर आई लास्ट में, सिस्टर ही डरी थी, तो ये फ्रेज मैंने उठा के यहाँ पे जोड़ दिया। माई फादर हैड टू कम्फर्ट माई सिस्टर, मेरी लिटिल सिस्टर का तो छूट गया है, लिटिल छूटा हुआ है, मेरे पिता को छोटी सिस्टर को कम्फर्ट करना पड़ा, टेरिफाइड आफ्टर वॉचिंग अ मूवी। डरी कौन थी? खुद सिस्टर डरी थी। अब सही है, या फिर एक तरीका और है कि मैं इसका वॉइस चेंज कर दूँ, ये बात हमने सीखी थी कि टेरिफाइड आफ्टर वॉचिंग स्कैरी मूवी माई सिस्टर हैड टू बी कम्फर्ट बाई माई फादर। तो यहाँ पर लिटिल छूटा हुआ है, लिटिल लिख लेना। बिल्कुल ईजी तरीका, ये बात मैं 50 ओवर बता चुका हूँ, बस वही बात रिपीट कर रहा हूँ। एक तरीका और है, माई सिस्टर टेरिफाइड आफ्टर वॉचिंग अ स्कैरी मूवी हैड टू बी कम्फर्ट बाई माई फादर। लो, ये भी सेंटेंस सही हो गया। तो हम कैसे भी करके सेंटेंस को बना सकते हैं, बस दिमाग लगाना पड़ेगा। जब तक दिमाग नहीं लगाओगे तब तक कुछ भी समझ नहीं आएगा। इसमें फादर टेरिफाइड नहीं थे, सिस्टर टेरिफाइड थे, इसलिए मिसप्लेस था, मिस अरेंज सेंटेंस, सेंटेंसेस, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, फिल इन द ब्लैंक, इनमें यही मिस्टेक्स आती हैं, इन्हीं को चेक करना होता है। अब देखो कैसे आता है एग्जाम में। वॉकिंग अलोंग द रोड, रोड के किनारे किनारे चलते हुए ए डॉग बाइट हिम टू सेव इट्सेल्फ, यानी कि सड़क के किनारे किनारे चलते हुए डॉग ने अपने आप को बचाने के लिए उस आदमी को काट लिया। अब मुझे ये बताओ कि सड़क किनारे वो कुत्ता चल रहा था कि वो आदमी चल रहा था? तो उस सड़क के किनारे वो आदमी चल रहा था, उसी समय एक डॉग मिल गया बीच रास्ते में, और डॉग ने सोचा ये कहीं मुझे मार ना दे, तो अपने आप को बचाने के लिए उस आदमी को काट लिया। अगर बात समझ में नहीं आई है तो एक और सुन लो। अगर मैं यहाँ पे ये लिखूँ वॉकिंग अलोंग द रोड, वॉकिंग अलोंग द रोड अ स्नेक बाइट हिम, सड़क पर टहलते हुए एक सांप ने उसको काट लिया। क्या सांप टहल रहा था? नहीं, टहल वो रहा था, सांप ने उसको काटा है। तो यहाँ पर फिर से हम ध्यान दें तो ये वाला जो फ्रेज जो है, ये वाला फ्रेज जो है वो डॉग के लिए है ही नहीं, कि डॉग वॉक कर ही नहीं रहा था, वॉक तो हिम कर रहा था, तो ये मिसप्लेस्ड हो गया। हम क्या करें? अब यहाँ पे हम वॉइस भी चेंज नहीं कर सकते कि उसमें कंडीशन अप्लाई हुई, ABC डिपार्टमेंट टूटा हुआ है, इसको क्या करेंगे? तो हमने ये सीखा था कि जब हम टेंस वगैरह कुछ भी चेंज ना कर पाए तो जिसके लिए बात चल रही थी वो इंसान हम पहले लिख देंगे। ही वॉकिंग अलोंग द रोड अब डॉग बाइट हिम टू सेव इट सेल्फ, सेंटेंस सही है, यही इंसान वॉक कर रहा था और इसी इंसान को एक डॉग ने बाइट कर लिया। अब ये फ्रेज इस डॉग के लिए ना होकर के इस इंसान के लिए हो गया है। हमने सीखा था जिसके लिए वो बात हो रही होती है उसके पहले रख दो वो इंसान, या उसके बाद रख दो। तो यहाँ से हमने इसको सॉल्व कर दिया, पार्ट ए में मिस्टेक थी। फिर से देखो, वॉकिंग अलोंग द रोड अ डॉग बाइट हिम टू सेव इट्सेल्फ। अब की बार ये टुकड़े चेंज हो गए, तो मैं ध्यान दूँ तो वॉकिंग अलोंग यहाँ तक एक बात है, द रोड अ डॉग बाइट हिम टू सेव इट्सेल्फ। अब इसको कैसे सही कर सकते हैं? अब अगर हम ध्यान दें तो इस सेंटेंस में एक तरीका तो ये है कि रियल में एक डॉग ने काटा तो इसी को, हिम को है, तो मैं यहाँ पे ही लिख दूँ। अब ही लिख देंगे तो एक तरीका और भी है कि अगर ही लिखते हैं तो यहाँ पे एक तरीका और भी है कि जब वो काम हो रहा चलने का उसी दौरान काट लिया है, तो दोनों काम एक साथ हुए, तो दोनों काम जब एक साथ होते तो हम लोग ये वाला तरीका अपनाते हैं, वाइल और सब्जेक्ट यहाँ पे लिखते हैं, और फिर वो ING फॉर्म वाला फ्रेज यहाँ पे लिखते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, कुछ ऐसे बनाते हैं। तो वाइल ही वॉज, ये ऐसे बनेगा, वाइल ही वॉज, पूरा मैं बता रहा हूँ, जो मैंने छोड़ दिया थी बात वो पूरी रियल में यहाँ पर ऐसी है। वाइल ही वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड ए डॉग बाइट हिम टू सेव इटसेल्फ, उस डॉग ने अपने आप को बचाने के लिए उस इंसान को काट लिया। तो वाइल से अगर बना तो वाइल एक कंजंक्शन हो जाएगा और यहाँ पर ही आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा, फिर सब्जेक्ट और वर्ब और हेल्पिंग वगैरह सब डालनी पड़ेगी।
ये दूसरा तरीका ये है कि मैं केवल ही डाल दूँ वाइल ही वॉकिंग द रोड, तो सिंपल सेंटेंस रहेगा। ये बात हम लोग सीख चुके हैं सिंथेसिस में। तो ही भी लगा सकते हो, वाइल ही वॉक कर दो तो भी सेंटेंस मेरा सही है। इस सेंटेंस में अगर ध्यान दें तो वाइल सॉरी वॉकिंग अलोंग द रोड अ डॉग बाइट हिम टू सेव इटसेल्फ, इसको कैसे सही कर सकते हैं? तो अगर हम ध्यान दें तो ये डॉग उठा के आगे पीछे कर नहीं सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि वॉकिंग अलोंग द रोड अ डॉग, सड़क किनारे टहलते टहलते एक डॉग ने उसको काट ली, तो डॉग तो टहल नहीं रहा था, टहल ही रहा था, तो फिर से ये बात होगी। मैं ही इसमें कर देता हूँ वाइल ही वॉज, एक तरीका ये है, या फिर मैं इसको हटा के केवल ही लगा दूँ, ही वॉकिंग अलोंग द रोड अ डॉग वाइट हिम टू सेव इट सेल्फ, तब भी सेंटेंस सही है, पार्ट ए में मिस्टेक है। एक और आ जाओ, कमिंग टू द क्लास रूम सॉरी कमिंग टू द रूम अ ग्लास वॉज स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड्स, रूम में आते हुए एक ग्लास उसके हाथों से छूट गया। तो क्या रूम में वो ग्लास आ रहा था? नहीं, रूम में ग्लास नहीं आ रहा था, रूम में तो आ रहा था, कौन आ रहा था? हर आ रहा था, यानी हर एक लड़की आ रही थी। रूम में आते हुए एक ग्लास पानी उस यानी कि एक ग्लास ऑफ वाटर, पानी का ग्लास उस लड़की के उस महिला के हाथों से छूट गया। तो ग्लास तो आने था रूम में, रूम में कौन आई थी? वो महिला। इसको कैसे सही करेंगे? इसको सही करने का तरीका ये है कि मैं इस कमिंग को उठा के कमिंग टू द रूम को हैंड्स के बाद लिख दूँ। कैसे होगा? अ ग्लास ऑफ वाटर स्लिप्ड फ्रॉम हर हैंड्स कमिंग टू द रूम वाइल, इसका मतलब क्या निकलेगा? वाइल सी वॉज कमिंग टू द रूम। ये रहा बनाने का तरीका, क्योंकि इसको ग्लास से कोई मतलब है नहीं कमिंग को, तो उसका फ्रेज हमें वहाँ पर रखना पड़ेगा। पासिंग थ्रू द हॉल अ फैन फेल ऑन हिम, हॉल से निकलते हुए एक फैन उसके सिर पर गिर गया या उसके ऊपर गिर गया। तो क्या क्या फैन पास कर रहा था उस हॉल से? क्या फैन वहाँ से निकल रहा था? नहीं, ये पासिंग थ्रू द हॉल जब वो तो हिम के लिए आया हुआ है, तो सिंपल है, इसको उठा के हिम के बाद रख दो। ही सॉरी ए फैन फेल ऑन हिम पासिंग थ्रू द हॉल, एक सेंटेंस सिंपल सेंटेंस बनाए, कॉम्प्लेक्स बनाओ। अ फैन फेल ऑन हिम वाइल ही वॉज पासिंग थ्रू द हॉल, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सेंटेंस मेरे दोनों सही हैं। डेंगलिंग मिसप्लेस्ड मिसअरेंज्ड कुछ भी बोलो, आपके तरीके यही सारे होते हैं। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन मैंने आपको एक नया तरीका समझाने के लिए दिया कि चीज़ों को हम कैसे कैसे अरेंज कर सकते हैं और क्या क्या सही करने का तरीका है। हो सकता है कि ये दो सेंटेंस और भी तरीके से सही हो सकते हैं। अगर वो तरीके आपके दिमाग में हैं तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं वहाँ पर रिप्लाई करूँगा कि हाँ ये भी हो सकता है। कमेंट करें, मैं आपका वेट करूँगा।